साथियों नमस्कार। साथियों, हम अपने टेरेस गार्डन में, अपनी बालकनी में, अपने किचन गार्डन में, अपने बैकयार्ड गार्डन में या अपने फ्रंट यार्ड गार्डन में, फ्रंट जो हमारा गार्डन होता है उसमें बहुत सारे तरह के फल, फूल, सब्जियों, फूलों के पौधे उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, अपने खेतों में फसलें उगाते हैं और उनकी उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत तरह के उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें कई तरह के प्रश्न आते हैं, साहब मैंने फूल लगाए हुए हैं लेकिन मेरे फूलों के पौधों की बढ़वार नहीं हो रही, या मेरे उतने फूल नहीं आ रहे हैं, मेरे वो जितने फूल आने चाहिए उतने फूल नहीं आ रहे, मेरी फसल का उत्पादन उतना नहीं हो रहा है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो मैं कौन सा उर्वरक इस्तेमाल करूं? कोई कहता है कि मैं ऑर्गेनिक इस्तेमाल करूं, मैं रासायनिक इस्तेमाल करूं, कौन सा उर्वरक मैं इस्तेमाल करूं? तो जैसे कि हम अपने घर के अंदर जो अपने प्रयोग के लिए चीजें उगाते हैं, किचन गार्डन है उसमें, तो मेरी संस्कृति यही है कि हम उसमें जैविक उर्वरकों का, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करें। तो आज हम जो हमारे फूलों के पौधे हैं, तो आज हम विशेष रूप से अन्य के साथ साथ भी विशेष रूप से फूलों वाले पौधों की बात करेंगे जो हम अपने घर के अंदर टेरेस गार्डन में या बालकनी में कंटेनर्स के अंदर उगाते हैं। तो उसमें पहली तो मेरा यही है कि पहले हमें ये समझना होता होगा कि जैसे बात ये आती है ना कि हम कौन सा उर्वरक इस्तेमाल करें, तो मेरी पहली संस्तुति रिकमेंडेशन यही होगी कि हमें, क्योंकि हम छोटे गमलों में कंटेनर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरक उसमें अगर हम डालते हैं तो कई बार हमारी डोज अगर ज़्यादा होगी तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ऑर्गेनिक जो नेचुरल सोर्स से, बायोलॉजिकल सोर्स से बनाए गए हैं, बने हुए हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये खतरा, ये संभावना उनके जलने की, उनको नुकसान पहुंचाने की संभावना कम हो जाती है। तो पहली मेरी रिकमेंडेशन यही है कि हमें अपने टेरेस गार्डन या बालकनी में जो हम कंटेनर्स में फूलों के पौधे उगा रहे हैं उनमें हमें ऑर्गेनिक या नेचुरल स्रोत से जो उर्वरक बनाए गए हैं, जो बायोलॉजिकल स्रोत से जो उर्वरक बनाए, उनका ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये बात आती है फिर कि साहब ये उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। तो देखिए, जो हमारे रासायनिक उर्वरक है, पहले मैं समझा दूं उर्वरक है क्या। उर्वरक शब्द का मतलब है कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा आवश्यक पदार्थ जो हम पौधों की उत्पादकता या उत्पादन बढ़ाने के लिए जमीन में या पौधों पर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक स्रोत से बनाया गया हो या इनऑर्गेनिक स्रोत से बनाया गया हो, और उसको भारत सरकार जो या हमारे जो राज्य सरकार हैं उनके द्वारा नोटिफाइड किया गया हो और वो हमारे उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की जो अनुसूचियां दी गई हैं उसके अंतर्गत आता हो, तो वो उर्वरक कहलाता है। इसके अलावा जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, जो अपने आप बना देते हैं, कोई कह देता है मैंने चाय की पत्ती इस्तेमाल की, कोई कहता है मैंने अंडे के छिलके इस्तेमाल किया, आप करिए, लेकिन इनके अंदर ये हमें जानकारी नहीं है। लेकिन जो उनके अंदर हमें जानकारी ये नहीं कि उनके अंदर है क्या, वो कभी कोई टेस्टिंग नहीं हुई। एक आप अपने तजुर्बे से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने तजुर्बे से कर रहे हैं करिए, लेकिन जो मैंने बताया उर्वरक क्या है, वो जो उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत आता है
जिसकी टेस्टिंग हो सकती है, जो टेस्टेड ऑलरेडी है, उसमें लिखा हुआ, उसके स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं उसके अंदर, उर्वरक नियंत्रण आदेश की अनुसूचियों के अंतर्गत, के उसके अंदर कितना मॉइस्चर है, कितने पोषक तत्व हैं और कौन कौन से हार्ड मेटल्स हैं और वो उनकी मात्रा कितनी। तो ये सारी चीजें उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत जो सरकारों के नियंत्रण में है, जिनके अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो कार्रवाई हो सकती है, उनकी टेस्टिंग भी हो सकती है, परीक्षण उनका हो सकता है। तो वो उर्वरकों को हमें इस्तेमाल करना चाहिए और उनको हमें गवर्नमेंट सरकार द्वारा पंजीकृत विक्रेताओं से ही खरीदना चाहिए। तो उर्वरक नियंत्रण आदेश के साथ अंतर्गत जो हमारी अनुसूचियां हैं, शेड्यूल हैं, उसमें जो पहली शेड्यूल है, पहली अनुसूची है, उसमें रासायनिक उर्वरक है, और रासायनिक उर्वरक भी 114 तरह के रासायनिक उर्वरक है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास से संबंधित उर्वरकों के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उसके अंतर्गत उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं। तो रासायनिक उर्वरकों को हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम अपने गार्डन में, जो अपना टेरेस गार्डन है या किचन गार्डन है, उसमें कम से कम इस्तेमाल करें, और अगर करें तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि उसके अंतर्गत कितने पोषक तत्व हैं और वो कितना हानि पहुंचा सकता है। जैसे यूरिया कोई अगर लें, उसका घोल अगर ज़्यादा डाल दिया और ज़्यादा कंसंट्रेशन में डाल दिया तो वो आपकी फसल को जला सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, दूसरा हमारे जो दूसरी जो अनुसूची है, उसमें इनके टेक्स्ट 2 नंबर की जो अनुसूची है, शेड्यूल है, उसमें इनके टेस्टिंग का तरीका दिया गया। तीसरी शेड्यूल में हमारे बायो फर्टिलाइजर दिए गए, जैव उर्वरक, जो जीवों से, जो जीव हैं हमारे जमीनों के अंदर होते हैं, वो जो हमारे पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जो हमारी खादें हैं, उनको घुलनशील बना के पौधों को उपलब्ध कराते हैं। तो हमारी तीसरी सूची में, तीसरी अनुसूची में, तीसरी शेड्यूल में ये बायो फर्टिलाइजर दिए, और चौथी में हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जिनको हम जैविक खाद कह देते हैं, जिसमें हमारे जो सिटी से निकलने वाला सिटी वेस्ट है, उसका सिटी कंपोस्ट, और जो केंचुओं से तैयार की गई खाद है वो है वर्मी कंपोस्ट। इसी तरह प्रोम, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर, बायो एनरिच ऑर्गेनिक मैन्योर, ये इस जो हमारे जो जैविक पोटास, ऑर्गेनिक पोटास, जो उर्वरक, ऐसे उर्वरक जो हमारे एल्गी से बनाए गए, रोडोफाइट से तैयार किए गए, ये सारे उर्वरक हमारी जो शेड्यूल उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की है, वो शेड्यूल के अंतर्गत रहते हैं। इसके अलावा हमें और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारा नॉन एडेबल डी ऑयल्ड केक्स हैं, जैसे आप सरसों की मस्टर्ड केक कहते हैं ना, तो पौधों में डालना चाहिए, तो वो भी हमारा इस उर्वरक नियंत्रण उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो इसमें निर्धारित है, इनके स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं कि इनके अंतर्गत इतना मॉइस्चर होगा, इनके अंदर इतना एन होगा, इतना पी होगा, इतना के होगा, इतना जीवांश होगा, ह्यूमस रिच, ये फर्टिलाइजर ह्यूमस रिच होते हैं, जीवांश पदार्थ के भरपूर रहते हैं, जो पौधों की आवश्यकता है। इनके अंतर्गत बोन मील होगा, बोन मील जो हम कहते हैं पौधों में डालना चाहिए, तो बोन मील भी इसमें रॉ और स्टीम्ड, जो स्टीम्ड वाले में 22% तक इसमें होता है जो पोषक तत्व, वो बोन मील होगा, फॉस्फोरस होता है, तो और हमारा रॉ भी होगा। तो ये हमारे उर्वरक हैं जो ऑर्गेनिक और एडेबल केक हैं, जो हमारी दोनों महीने बाद की तालिकाएं, सूची या शेड्यूल बताई, जो उनके अंतर्गत आते हैं, इनको हमें अपने फूलों वाले पौधों में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो ये पौधे हैं, जब हम ये कहते हैं कि हमारे फूल नहीं आ रहे, तो जैसे हमारा जो देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो पोषक तत्व तो होता है वो पौधों की बढ़वार करता है, क्लोरोफिल, जो हमारा उसमें क्लोरोफिल को बढ़ाता है, फोटोसिंथेसिस में उसका बहुत योगदान है, और जो फास्फोरस है
वो हमारे पौधे की जड़ को, तने को, उसको मजबूत करता है, तो उसकी पकड़ जमीन पर अच्छी हो जाती है। और जो हमारा पोटास है वो हमारे फूलों की चमक, हमारे दानों की चमक, हमारे जो उनके पौधों के अंदर रोग रोधक शक्ति को बढ़ाता है, उनकी इम्यूनिटी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, और रोगों से लड़ने की शक्ति उनके अंतर्गत आती है। तो ये हमारे वो उर्वरक हैं। अब हम नीम केक अगर डालेंगे तो वो इन पोषक तत्वों के साथ साथ ही जो बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक या नेचुरल सोर्स है बनाए गए उर्वरक है, ये अपने पोषक तत्वों के साथ साथ ये बाकी चीजें भी हमारी भूमि में पैदा करते हैं, जैसे जल धारण शक्ति को, जल धारण क्षमता को बढ़ा देते हैं, हमारे जल को रोकने की शक्ति को, जल धारण शक्ति को बढ़ा देते हैं, पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। जैसे हम दूध पी लेते हैं ना, सारे पोषक तत्व तो उसमें मिल जाते हैं और वो हमारे शरीर को बहुत फायदा करते हैं। इसी तरह ये पौधों के लिए, ये ऑर्गेनिक जो हमारे उर्वरक हैं ये बहुत फायदेमंद है, इनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ऑर्गेनिक उर्वरक के साथ साथ जो हमारी फूलों वाले पौधे हैं या गार्डन में जो हम पौधे उगाते हैं, उसमें जो हम सॉइल मिक्सचर बनाते हैं, उसमें कौन कौन से उर्वरक हमें कितनी मात्रा में इस्तेमाल करने चाहिए, खड़ी हमारी जो मिक्सचर में कितना तैयार करना है, और हमें लिक्विड के रूप में कितना देना है। ऑर्गेनिक जो हमारे फर्टिलाइजर से, इनको घोल बना के रात भर रख दीजिए, अगले दिन इनको आप उस घोल को गमले में इस्तेमाल कर सकते हैं, या छान के उसका नीचे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जड़ के पास उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको लिक्विड के रूप में भी हम दे सकते हैं। कुछ ये कंपनियां तैयार कर रही हैं, बने बनाए भी हमारे लिक्विड रूप में भी आ रहे हैं, और वैसे भी हमारे मिल जा रहे हैं, सामान्य रूप जो इनका होता है उसमें मिल जा रहे हैं, तो उनको हम लेके अपने गमले में, अपने कंटेनर्स में, अपने गार्डन में, अपनी जमीन में उनको इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जो मैं एक SMS की बात करता हूँ, SMS, पहला S सॉइल के लिए कि हमारा सॉइल मिक्सचर कैसा होना चाहिए, दूसरा N मॉइस्चर के लिए, और तीसरा S हमारा सनलाइट के लिए। तो ये तीन का कॉम्बिनेशन जब बनता है, सनलाइट, सॉइल और मॉइस्चर, तब पौधों को अच्छी बढ़वार होती है, उस पर अच्छे फूल आते हैं और हमारे गार्डन की वो शोभा बढ़ाते हैं। तो ये SMS वाला फॉर्मूला है क्या, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बस हमें बेस्ट बनाना है। सॉइल में जो हमें कोशिश करना है कि हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालने हैं, मॉइस्चर के लिए हमें ना मॉइस्चर में ध्यान रखना कि हमें जिन पौधों को पानी की, खास करके जो सकुलेंट प्लांट्स हैं, जो हमारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कैक्टस टाइप, उनको उनके सॉइल मिक्सचर में कोकोपीट नहीं मिलाना, उसकी जगह चाहे परमेल पर लाइट मिला लीजिए, क्योंकि मॉइस्चर को रिटेयर करता है, वो रोकता है कोकोपीट, तो फंगस की दिक्कत आ सकती है। तो मॉइस्चर का, सनलाइट, मॉइस्चर और सॉइल, सनलाइट हमें ज़्यादातर पौधों के लिए पार्शियल सनलाइट या ब्राइट लाइट और इनडायरेक्ट सनलाइट अगर मिलती है तो वो बड़े अच्छे बढ़वार करते हैं। तो बस ये SMS वाला फॉर्मूला अपनाइए, आपके पौधों पर खूब फूल आएंगे, खूब सुंदर वो दिखाई देंगे। कम पानी नहीं देना, ज़्यादा पानी नहीं देना, तो हमें मिट्टी को नम रखना है, सॉइल को वेल ड्रेन सॉइल, कंटेनर में हॉल होना चाहिए, और उस हमारा जो मिक्सचर है वही बस एक इम्पॉर्टेंट है कि उसमें हमें कम पानी चाहने वालों को हमें कोकोपीट नहीं देना है, ऐसा कोई सब्सटेंस या क्ले सॉइल उनको नहीं देनी है, उसको उनके लिए ऐसी भूमि देनी है, ऐसी मिट्टी देनी है जिसमें कम पानी हो। तो सॉइल, मॉइस्चर और सनलाइट, इस तीन चीज़ों पे आप ध्यान रखिए तो आपके पौधे अच्छे चलेंगे। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।